गाइस सच में क्या कमाल का रहा आज का स्टैंड एंड डिलीवर का शो। फाइनली ब्रॉन ब्रेकर डॉल्फ जिगलर को हरा के 2-time WWE NXT चैंपियन बन गए हैं। तो गाइस आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। अब आप लोगों को बस एक ही काम करना है, मेरे साथ आप लोगों को बस वीडियो में एंड तक बने रहना है। लेकिन उससे पहले जो भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आप लोगों को WWE से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव न्यूज मिलते रहते हैं। तो फिर चलिए अब आज की इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस स्टैंड एंड डिलीवर की स्टार्टिंग इस कमाल के टैग टीम मैच से होने वाली है। ये मैच होने वाला है चैंपियन टॉक्सिक अट्रैक्शन वर्सेस चैलेंजर टीम रकील गोंजालिस एंड डकोटा काय के बीच। गाइस अगर इस मैच के विनर की बात करूं तो वो होने वाले हैं रकील गोंजालिस एंड डकोटा काय की टीम, क्योंकि टॉक्सिक अट्रैक्शन ने काफ़ी टाइम से इस चैंपियनशिप को होल्ड कर रखा है और अब ये टाइम आ गया है कि ये चैंपियनशिप उनके हाथों से लुटने वाली है। तो गाइस अब बात करते हैं स्टैंड एंड डिलीवर के दूसरे मैच की। ये मैच होने वाला है NXT के कमाल के सुपरस्टार तोमासो चांपा वर्सेस NXT 2.0 के कमाल के यंग हील सुपरस्टार टोनी डी एंजेलो के साथ। गाइस ये मैच तोमासो चांपा के NXT के करियर का लास्ट मैच होने वाला है। इस मैच के बाद तोमासो चांपा दोबारा से हमें NXT 2.0 में कभी नहीं देखने को मिलेंगे। गाइस आप देख सकते हो कि तोमासो चांपा अपने इस पोस्ट के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपने WWE के करियर की स्टार्टिंग 2015 में की थी और 2022 में वे अपने करियर को NXT में एंड कर रहे हैं, क्योंकि ये तोमासो चांपा के करियर का लास्ट मैच है। तो WWE यही चाहेंगे कि तोमासो चांपा अपने करियर की एंडिंग एक बड़ी जीत के साथ करे। तो गाइस अब बात करते हैं स्टैंड एंड डिलीवर के तीसरे मैच की। ये मैच होने वाला है एले नाइट वर्सेस गुंथर के बीच। गाइस मैच में बताने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि एले नाइट ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। गुंथर के पावर के सामने एले नाइट कुछ भी नहीं है। गाइस आपको पता होगा गुंथर जल्दी कभी किसी मैच को हारते ही नहीं है। NXT में वे अभी एक अलग ही लेवल पे हैं। गाइस मुझे पता भी नहीं है कि गुंथर अपना आखिरी मैच कब हारे थे। तो गाइस ये कंफर्म है कि स्टैंड एंड डिलीवर में गुंथर एले नाइट को हरा देंगे। गाइस अब बात करते हैं स्टैंड एंड डिलीवर के फोर्थ मैच की। सच में ये मैच तो मेरा फेवरेट मैच है। स्टैंड एंड डिलीवर का ये मैच एक लैडर मैच होने वाला है। ये मैच NXT 2.0 के इन 5 कमाल के सुपरस्टार कार्मेलो, सोलो सिक्वा, कैमरन ग्राइम, सैंटोस स्कोबार एंड ग्रेसन वॉलर के बीच होने वाला है। गाइस अगर इस कमाल के मैच के विनर की बात करूं तो गाइस मैं यहां इन दो सुपरस्टारों को पिक करूंगा। वो होने वाले हैं कार्मेलो और कैमरन ग्राइम। कार्मेलो का नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप का टाइटल रेंस काफ़ी कमाल का रहा है, इसलिए WWE ये नहीं चाहती है कि कार्मेलो अपने चैंपियनशिप को हारे और वे इस चैंपियनशिप को लेके आगे नए रिकॉर्ड बनाएं। लेकिन दूसरी तरफ कैमरन ग्राइम भी चैंपियन बनना डिजर्व करते हैं, क्योंकि वे काफ़ी टाइम से एक चैंपियनशिप बेल्ट चाहते हैं और गाइस कैमरन ग्राइम का चैंपियन बनना उनके और उनके फादर की ड्रीम है। काफ़ी टाइम से कैमरन ग्राइम NXT 2.0 में ऑसम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए वे नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बनना डिजर्व करते हैं। तो गाइस स्टैंड एंड डिलीवर में या तो कार्मेलो अपने चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे या फिर कैमरन ग्राइम हमारे नए नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बनेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं स्टैंड एंड डिलीवर के इस कमाल के ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच की। ये मैच होने वाला है MSK वर्सेस इंपीरियम वर्सेस क्रीड ब्रदर के बीच। गाइस ये फिक्स है कि इस मैच में हमें टाइटल चेंज होता हुआ दिखेगा और हमें नए NXT टैग टीम चैंपियन मिलने वाले हैं और हमारे वो चैंपियन होने वाले हैं द क्रीड ब्रदर्स। गाइस अगर अभी NXT 2.0 में कोई परफेक्ट टैग टीम है तो वो है क्रीड ब्रदर्स, और सच में ये टीम चैंपियन बनना डिजर्व करती है। तो स्टैंड एंड डिलीवर में हमारे क्रीड ब्रदर्स नए NXT टैग टीम चैंपियन बनने वाले हैं। तो गाइस अब बात करते हैं स्टैंड एंड डिलीवर के इस फैटल फोर वे मैच की। ये मैच होने जा रहा है आयो सिराय वर्सेस मैंडी रोज वर्सेस कोरा जेड वर्सेस केली डे के बीच। मैंडी रोज के टाइटल रेंज में ये मैच अभी तक का उनके लिए सबसे डिफिकल्ट मैच होने वाला है, और न्यूज़ ये बता रही है कि मैंडी रोज इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को हार जाएगी। न्यू चैंपियन बनने के लिस्ट में सबसे ऊपर केली रे का नाम है। गाइस हम ये देख सकते हैं कि इस मैच में केली रे की सबसे अच्छी फ्रेंड आयो सिराय भी फाइट करने वाली है, और ये सभी एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट करने वाली है। अगर इस मैच में केली रे और आयो सिराय आपस में ही लड़ने लगती है तो कोरा जेड इस मैच में मैंडी रोज को पिन कर सकती है, क्योंकि WWE अभी कोरा जेड को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वे इस फैटल फोर वे मैच की विनर हो सकती है।
और गाइस हो सकता है हमें स्टैंड एंड डिलीवर में नई सबसे यंग एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन देखने को मिल सकती है। गाइस अब चलिए बात करते हैं स्टैंड एंड डिलीवर के मेन इवेंट मैच की। एनएक्सटी का ये बिगेस्ट मैच होने वाला है चैंपियन डॉल्फ ज़िगलर वर्सेस चैलेंजर ब्रॉन ब्रेकर के बीच। गाइस अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस मैच का विनर कौन होने वाला है। आप लोगों ने बिल्कुल सही पिक किया है, ब्रॉन ब्रेकर स्टैंड एंड डिलीवर में डॉल्फ ज़िगलर को हरा के नए एनएक्सटी चैंपियन बनने वाले हैं। ब्रॉन इस मैच के बाद एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे। इतने कम टाइम में 2 times एनएक्सटी चैंपियन बनने वाले वे WWE के पहले सुपरस्टार बन जाएंगे। तो गाइज आज के वीडियो को ही पेंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। गाइज अगर आप लोगों को सच में वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा है उन भाइयों को मेरा थैंक्स। तो गाइज मिलते किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।